अजमेर में निजी कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर युवाओं से हजारों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित की शिकायत के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिनमें एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पीड़ित गांधी कॉलोनी बोरखेड़ा कोटा निवासी समीर अहमद पुत्र साबिर अहमद ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी थी कि उसने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI कर रखी है और नौकरी की तलाश कर रहा था। इसी बीच करीब 3 महीने पूर्व उसके पास उसके मोबाइल पर एक कॉल आया और उसे निजी क्षेत्र के बड़े बैंक और कंपनियों में नौकरी लगाने की बात कही गई, जिसके आधार पर पहले 1850 रुपए उससे वसूले गए और बाद में अलग अलग समय पर उससे बड़ी रकम ऐंठ ली गई। इस पूरे मामले में जब उसे नौकरी नहीं मिली तो उसने आरोपियों से उन्हें दिए गए पैसे का तकाजा किया, लेकिन बाद में आरोपियों ने उसका फोन उठाना तक बंद कर दिया। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने ईदगाह राती डांग निवासी शाहीन और उसके साथी हैदर अली को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले में अब्दुल यूसुफ नाम के युवक की भी तलाश जारी है। पता चला है कि यह सभी आरोपी योजनाबद्ध तरीके से बेरोजगार युवाओं को अपने झांसे में लेते हैं और निजी कंपनियों में नौकरी के नाम पर झांसा देकर उनसे बड़ी रकम वसूल कर फरार हो जाते हैं। कोतवाली थाना पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जॉब अटेम्प्ट कंपनी एक नाम से है, यहाँ पे कोतवाली थाना क्षेत्र में बेरोजगार युवकों को झांसा देकर के रकम ऐड की है और उनको फिर बाद में जब वो नौकरी के लिए कहते हैं वापस तो उनको डाल देते हैं उनको, या फिर फोन स्विच ऑफ बंद कर लेते हैं और इस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी होती है। तो परिवादी कोटा का समीर नाम का, उसने दर्ज कराई रिपोर्ट का मुझसे 12,000 करीब ले लिए थे और उसमें नौकरी का मुद्दा किया गया था, वादा किया गया था, लेकिन उन्होंने उसकी नौकरी नहीं दी और मेरे से रुपये ठग लिए। इस आधार पर अभियोग दर्ज करके और जो जॉब अटेम्प्ट कंपनी है कालाबाग, उसका मैनेजर हैदर अली एवं इसकी जो एक और कर्मचारी है डायरेक्टर के साथ में और उसकी है सहयोगी है शाहीन खान, इन दोनों को गिरफ्तार करके और इनसे तफ्तीश की गई है। कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, आज उसका PC रिमांड लेकर के और दस्तावेज है और कंप्यूटर वगैरह वो बरामद किए जाएंगे। सिर्फ इस कंपनी का डायरेक्टर है यूसुफ, वो अभी फरार चल रहा है जिसकी तलाश की जा रही है। सर किन धाराओं में गिरफ्तार किया? ये धारा 420, 406 और 120 BIP। सर कल और भी परिवादी आए थे? जी, ये 2 परिवादियों का और आए हैं जिनसे HDFC कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव नाम से 1,40,000 प्रत्येक से इन्होंने हड़प लिए हैं और उनके साथ झांसा किया। कहाँ के रहने वाले दोनों? जो अब हैदर अली है वो जैतारण जिला पाली का रहने वाला है और ये लोकल है यहाँ पे ईदगाह कॉलोनी के पास में। उनका अभी आपराधिक रिकॉर्ड की भी अभी तफ्तीश की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और संबंधित थाने से ली जा रही है।